हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ टॉन ऑन चोलनाटी के एपिसोड 7 को। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्रीवियस वीडियोस भी देख लीजिए, ताकि आप लोगों को स्टोरी सही से समझ आए। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है वो लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां ना और चौन को साथ बैठे दिखाया जाता है। ना चौन से पूछता है कि क्या वो वापस आ गया और अब वो कैसा फील कर रहा है, क्या वो ठीक है। तभी पैंग वहां पे आती है और वो कहती है, पर ना ये बात कैसे जानता है कि चौन अपने घर से वापस आया है। तो ना उसे फेसबुक पे फोटोज दिखाता है। पैंग कहती है, पर वो तो उन दोनों के फ्रेंड लिस्ट में ही नहीं है, तो उसने उस फोटो को कैसे देखा। ना कहता है कि वो हमेशा उन दोनों की प्रोफाइल चेक करता रहता है। पैंग कहती है कि अगर वो चौन का इतना बड़ा फैन है तो वो उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों नहीं भेजता। ना बोलता है वो इसलिए क्योंकि वो चौन का फ्रेंड नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। उसकी बात सुनकर चौन नर्वस हो जाता है और वो क्लास के लिए जाने लगता है। और पैंग भी चौन के पीछे जाती है। वो उससे बोलती है कि क्या वो ना की बात से परेशान हो गया। चौन बोलता है कि नहीं, बस उस फोटो को ना ने देखा तो टॉन ने भी देखा होगा, पर उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, शायद वो अब उसका फ्रेंड भी नहीं रहा। ये कहकर वो अपसेट हो जाता है। पर वहीं दूसरी तरफ टॉन अपने क्लास में बैठा उस फोटो को देख रहा होता है। वहीं पैंग चौन को मूव ऑन करने को बोलती है, पर चौन बोलता है कि वो मूव ऑन कैसे कर सकता है जब वो और टॉन एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, और ना चाहते हुए भी हमेशा उसे टॉन को देखना होगा और सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। तो पैंग उसे बोलती है तो वो अपने लाइफ में किसी न्यू लड़के को ले आए। तभी वहाँ पे ना आता है और वो आकर उन दोनों को साथ चलकर लंच करने की बात करता है। पैंग के दिमाग में ना को देखकर आइडिया आता है और वो बहाने बनाकर उन दोनों को अकेले जाने को कहती है और वहाँ से भाग जाती है। आगे ना और चौन को साथ में लंच करते दिखाया जाता है, जहाँ चौन को पता चलता है कि ना के फ्रेंड्स नहीं है। फिर वो बाहर एक लेडी को काम करते देखता है जो रास्ते की साफ सफाई कर रही होती है, और उसके पास उसका बेटा बैठा होता है। तो ना जाकर उनको खाना देता है और वो बच्चे को आइसक्रीम भी देता है। इस बात से चौन बहुत इम्प्रेस होता है और वो ना की तारीफे करता है। ना कहता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है और जरूरतमंदों की हेल्प तो रिच लोगों को करनी ही चाहिए। और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, पर आई छिपा उन दोनों की फोटो ले रहा होता है। नाई बोलता है कि आखिर वो ये सब क्या कर रहा है। तो आई उसे कहता है कि वो दोनों साइड कैरेक्टर्स है, तो उनका काम मेन कैरेक्टर्स को मिलाना है और इस फोटो से जरूर काम बनेगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि आई उस फोटो को टॉन को दिखाता है। टॉन उस फोटो को देखकर गुस्सा होने लगता है और बोलता है आई उसे ये सारे फोटोज क्यों दिखा रहा है। नाई कहता है कि चौन जब अकेला था तो टॉन ने उसे किसी और के हाथ में क्यों सौंप दिया, और वैसे तो टॉन हमेशा चौन के लिए बहुत पॉजिटिव रहता था और उसे हमेशा प्रोटेक्ट करता रहता था। मीरियम भी उस फोटो को देखती है और आई और नाई उसे इशारे से एक्टिंग करने को कहते हैं, और मीरियम चिल्लाने लगती है कि ना कितना हैंडसम है और वो चौन के साथ कितना प्यारा लग रहा है। और वो बोलती है कि अब वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगेंगे, वो हग करेंगे और साथ में रहना शुरू कर देंगे। और इन सारी चीजों को आई और नाई एक्टिंग करके दिखाने लगते हैं। तभी टॉन को उन दोनों में ना और चौन नजर आने लगते हैं, और वो ऐसा फील करता है कि चौन और ना आपस में रोमांस कर रहे हैं, तो उसे गुस्सा आने लगता है और वो उन्हें मारने जाता है। तभी वो देखता है कि वो दोनों तो आई और नाई हैं। तब जाकर वो थोड़ा शांत होता है और वो मीरियम को चुप रहने को कहता है और बोलता है कि वो बकवास बातें ना बोले। मीरियम बोलती है पर वो तो सारी प्यारी बातें ही बोल रही है, क्योंकि वो एक बीएल लवर है तो उसे ये सारी चीजें पसंद है, और उसने जैसा कुछ भी कहा है वैसा ही बहुत जल्दी होने वाला है। टॉन बोलता है कि चौन ना के साथ इतना आगे नहीं बढ़ेगा। आई और नाई बोलते हैं कि ये वो कैसे कह सकता है, और फीलिंग पे तो किसी का जोर नहीं होता। उनकी बातों से टॉन परेशान हो जाता है। मीरियम उसे बोलती है कि अगर उसे चौन की इतनी ही फिक्र है तो वो जाकर चौन को क्यों नहीं ले आता, फिर ये सब चौन के साथ नहीं होगा। और टॉन वहाँ से चला जाता है। आई नाई और मीरियम बहुत खुश होते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि टॉन चुप कर ना और चौन को साथ देखता है, और ना चौन को ड्रॉप करने आया होता है, और वो जाते वक्त उसे हग करके जाता है।
टॉन ये सब देखकर वहां से जाने लगता है, पर तभी वहां पे पैंग आती है और उसे चॉन से मिलकर जाने की रिक्वेस्ट करती है। वो बोलती है कि चॉन उसे सच में बात करना चाहता है और उन दोनों को कम से कम एक बार तो बात करनी चाहिए। वो ये बात जाकर चॉन को बताती है कि टॉन आया है, पर चॉन कहता है कि वो टॉन से नहीं मिलेगा और सुबह ही पैंग ने उसे मूव ऑन करने की बात बोली थी और इसके बाद वो उसे ना के साथ छोड़कर चली गई और अब वो उसे टॉन से बात करने को कह रही है। आखिर वो चाहती क्या है? पर पैंग कहती है कि वो तो बस इतना चाहती है कि चॉन वही करे जो उसका दिल चाहता है। तो चॉन टॉन के पास जाता है। आगे दिखाया जाता है कि टॉन चॉन को अपने साथ वापस आकर रहने की बात बोलता है। चॉन बोलता है कि क्या उसे उसके जैसे लड़के के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टॉन बोलता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी आई और नाई भी गे है, उन दोनों ने ही उसे हेल्प की है इन चीजों को और चॉन को समझने में। आगे सभी को साथ में घर पे बैठे दिखाया जाता है और चॉन के वापस आने की वजह से सभी बहुत खुश होते हैं। आई और नाई बोलते हैं पर चॉन अब कहाँ रहेगा। टॉन कहता है कि वो उसी के रूम पे रहेगा और जैसे वो रहा करता था, पर आई नाई और मीरियम ने पहले से प्लान बना रखा होता है कि वो चॉन को टॉन के साथ रहने नहीं देंगे और वो लोग कहते हैं कि चॉन उसके साथ नहीं रहेगा और जो कुछ भी हुआ उसके बाद चॉन का टॉन के साथ रहना सही नहीं होगा। पर टॉन कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता चाहे चॉन कुछ भी हो और वो दोनों साथ में ही रहेंगे। आई और नाई बोलते हैं पर चॉन टॉन को लेकर अलग कुछ फील करता है और वो टॉन को लाइक करता है। वो लोग बस इतना चाहते हैं कि टॉन सेफ रहे और चॉन भी बोलता है कि वो मीरियम के रूम पे रहेगा और वो सभी मिलकर चॉन को वहाँ से ले जाते हैं। चॉन कुछ बोलना चाहता है पर वो बोल नहीं पाता। रूम पे चॉन उन लोगों से पूछता है कि उन सब ने उसे टॉन के साथ रहने क्यों नहीं दिया। मीरियम कहती है कि टॉन की असली फीलिंग जानने के लिए कि वो चॉन को लेकर आखिर क्या फील करता है। चॉन को उनकी बातें समझ नहीं आती। आई और नाई उसे बताते हैं कि शायद टॉन उसे फ्रेंड से ज्यादा मानता है, पर वो इस बात को या तो मान नहीं रहा या फिर वो अपनी असली फीलिंग को समझ नहीं पा रहा। सबको यही पता लगाना है। ये मीरियम उन्हें अपनी प्लानिंग बताती है और मीरियम ने उन्हें कहा होता है कि सबको मिलकर चॉन के साथ फ्लर्ट करना है और टॉन को जेलस फील करवाना है। आगे हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां सभी साथ मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, पर टॉन के आने के बाद नाई चॉन के साथ बहुत ही प्यार से बातें करने लगता है और उसे अपने हाथों से खिलाता है। टॉन को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता और वो गुस्सा होने लगता है। वो बोलता है कि आई और नाई को आखिर क्या हुआ है, वो लोग ये सारी चीजें उसके सामने ना करे और उसे हमेशा ये सारी चीजें देखना पसंद नहीं है। सभी मिलकर उसकी तरफ गुस्से में देखने लगते हैं। फिर टॉन चॉन को जल्दी ब्रेकफास्ट करने को बोलता है और कहता है कि वो उसे कॉलेज छोड़ देगा, पर आई बोलता है कि चॉन उसके साथ जाएगा और वो नहीं चाहता कि चॉन उसके साथ जाए और लोग कुछ गलत समझे। चॉन भी बोलता है कि वो आई नाई के साथ कॉलेज जाएगा, जिस बात से टॉन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। तो सभी जल्दी से टॉन के पीछे बाहर तक जाते हैं। आई नाई और चॉन मीरियम को बोलते हैं कि टॉन जेलस नहीं हो रहा, वो बस गुस्सा हो रहा है और ये सारे प्लान्स बेकार है। मीरियम बोलती है कि उन्हें किसी और की हेल्प लेनी होगी तभी काम बनेगा। आगे सभी जाकर ना को उनकी हेल्प करने को बोलते हैं और कहते हैं कि उसे चॉन के साथ झूठ मूठ का फ्लर्ट करना होगा और दिखाना होगा कि वो चॉन को लाइक करता है। ना बोलता है कि वो सच में चॉन को पसंद करता है और वो उसे डेट भी करना चाहता है, तो वो सारी चीजें सच में करेगा और ना कि वो झूठी एक्टिंग करेगा। और अगर टॉन को चॉन में इंटरेस्ट ना हुआ तो कम से कम ना का चांस रहेगा। आगे चॉन ना और पैंग को क्लास में दिखाया जाता है। तभी चॉन के पास टॉन का कॉल आता है और वो चॉन को उसके पास कैंटीन में आने को बोलता है। वो उससे पूछता है कि क्या उसके साथ पैंग भी है। पैंग उसे हाँ बोलने से मना करती है और कहती है कि वो जा चुकी है। तो चॉन टॉन को बोलता है कि पैंग घर जा चुकी है और वो ना के साथ है। टॉन बोलता है कि वो ना के साथ ना रहे और वो जल्दी से कैंटीन में आ जाए, पर तभी ना फोन पे आकर कहता है
कि चौन उसके साथ पेस्ट्री खाने जाने वाला है और इसके बाद वो उसे घर ड्रॉप कर देगा, जिसे सुनकर टॉन गुस्सा होने लगता है। आई और नाई उससे पूछते हैं कि वो गुस्सा क्यों हो रहा है, तो टॉन बोलता है कि बस उसके पास कोई रॉन्ग नंबर आया था। उसी तरफ चौन को पैंग और ना के साथ पेस्ट्री खाते दिखाया जाता है। तभी चौन के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और वो बोलती है कि वो वीकेंड पे घर पे नहीं रहेंगी, वो किसी शादी को अटेंड करने जाने वाली है और वो चौन को घर पे आकर रहने को कहती है। ना ये बात सुनकर कहता है कि वो भी चौन के साथ जाएगा। चौन कहता है कि उसका घर इतना बड़ा नहीं है और शायद ना वहाँ पे कंफर्टेबल फील ना करे, पर ना बोलता है कि चौन जहाँ भी जाएगा वो उसके साथ जाएगा और उसे फर्क नहीं पड़ता वो कोई भी जगह हो। आगे वीकेंड वाला डे होता है और जहाँ चौन अपना सामान ना के कार में रख रहा होता है, तभी वहाँ पे टॉन आता है और वो चौन से पूछता है कि क्या वो कहीं जा रहा है, तो चौन उसे बताता है कि उसे अपने घर जाना होगा क्योंकि उसकी मॉम को किसी शादी को अटेंड करने जाना है। तो टॉन बोलता है कि ये बात चौन ने उसे पहले क्यों नहीं बताई, तो वो ना के साथ क्यों जा रहा है। ना बोलता है कि वो भी चौन के साथ उसके घर जा रहा है। टॉन बोलता है कि वो चौन को ना के साथ जाने नहीं देगा, पर ना बोलता है कि चौन उसका बॉयफ्रेंड है तो वो चौन के साथ हर जगह जाएगा। ये सारी चीजें आई नाई और मिरियम छुप कर देख रहे होते हैं। ना बोलता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं तो वो साथ जा सकते हैं, पर टॉन बोलता है कि वो चौन को उसके साथ जाना अलाउ नहीं करेगा। ये बोलकर वो चौन को अपने साथ अंदर ले जाने लगता है, पर चौन उसे कहता है कि उसे अपने घर जाना होगा। टॉन उसे कहता है पर वो ना के साथ नहीं जाएगा और ना टॉन का हाथ खींचने लगता है ये कहकर कि चौन उसका बॉयफ्रेंड है तो वो उसके साथ जाएगा। ये सारी चीजें आई नाई और मिरियम देख रहे होते हैं और वो घबरा जाते हैं कि कहीं उनके बीच झगड़ा ना हो जाए। वो वहाँ पे जाकर बोलते हैं कि आखिर बात क्या है और वो लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हैं। उन्हें वहाँ देखकर टॉन चुप हो जाता है। आगे सभी को साथ बैठे दिखाया जाता है जहाँ मीडियम बोलती है कि चौन ना के साथ जाएगा क्योंकि वो दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं, पर टॉन इस बात से अग्री नहीं करता। तो मीडियम कहती है तो वो सभी मिलकर साथ जाएंगे और जिस बात से सभी खुश हो जाते हैं। आगे कार में टॉन को ना और चौन के साथ बैठे दिखाया जाता है। ना चौन को उसे स्नैक्स खिलाने को बोलता है तो चौन उसे खिलाने जाता है, पर टॉन उसके हाथ से स्नैक्स की पैकेट ले लेता है और वो जबरदस्ती ना को खिलाने लगता है। आगे चौन अपने घर पहुंचता है पर उसकी मॉम जा चुकी होती है और सभी उसके घर पे आते हैं और वो लोग बीच साइड पे बारबेक्यू पार्टी करने की बात करते हैं, पर चौन बोलता है कि शायद आज बारिश हो सकती है तो बीच साइड पे जाना सही नहीं होगा और वो उन लोगों को दूसरे दिन वहाँ ले चलेगा, तो आज बारबेक्यू पार्टी वो घर के पास कर सकते हैं। आगे हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है और वो लोग बारबेक्यू पार्टी कर रहे होते हैं और उन लोगों ने खूब सारे श्रिम्प्स बारबेक्यू किए होते हैं। टॉन चौन को कहता है कि वो उसे श्रिम्प पिल करके दे। मीडियम टॉन के प्लेट में श्रिम्प देती है, पर टॉन बोलता है कि उसे अपने हाथ गंदे नहीं करने, तो चौन उसे पिल करके देगा। ना उसे श्रिम्प करके देता है, पर वो उसके हाथों से लेने से मना करता है और वो कंटिन्यू बस चौन को पील करके देने को कहता है, तो चौन उसे श्रिम्प पील करके देता है। तभी ना चौन को श्रिम्प पील करके खाने को देता है और सभी ना को उसे अपने हाथों से खिलाने को कहते हैं और ना चौन को अपने हाथों से खिलाता है और वो चौन के फेस को भी क्लीन करता है, जिससे टॉन को गुस्सा आ जाता है। मीडियम आई और नाई मिलकर उनकी तारीफें करने लगते हैं और कहते हैं कि ना और चौन साथ में बहुत प्यारे लगते हैं और वो दोनों मेड फॉर ईच अदर लगते हैं। तभी टॉन जेलस होकर चौन को अपने साथ ले जाता है और वो चौन को डांटता है कि उसने ना के हाथ से श्रिम्प क्यों खाया और उसने उसे अपने फेस को क्लीन क्यों करने दिया। चौन बोलता है क्योंकि चौन के हाथ गंदे थे और वो तो टॉन के लिए श्रिम्प पील कर रहा था, पर फिर भी टॉन गुस्सा होने लगता है और वो बोलता है कि टॉन
टॉन को ना पसंद नहीं है। टॉन कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, और फिर टॉन जैसा आई और नाई बोल रहे हैं कि वो जेलस हो रहा है। टॉन बोलता है कि वो भला क्यों जेलस होने लगा, जबकि टॉन एक लड़का है और टॉन को क्यों फर्क पड़ेगा। टॉन बोलता है कि अगर ये बात है तो ठीक है, और वो ना के पास जा रहा है, और टॉन बिना बात के गुस्सा ना हो, उसके पास कोई भी रीजन नहीं है चॉन को रोकने का, और वो चॉन को ना के हाथ से खाने से नहीं रोक सकता। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और टॉन नाराज होने लगता है, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।